हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, जो कि लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा मेथड है। इसको एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बहुत सारे लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग लैप्टल रूल भी बोलते हैं, कुछ कुछ लॉप्टल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नाम पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके काम को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो लिमिट में हम लोग अभी तक बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं, उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ये रूल जो है, ये रूल सिर्फ दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे काम करेगा। किस पे करेगा? 0/0 एंड ∞/∞। ये स्टेटमेंट आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको फिर हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। क्या लिखा है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये लिमिटिंग वैल्यू है, जो कि कुछ भी हो सकता है, एक फाइनाइट नंबर हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, ये कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है, रिड्यूसेस टू 0/0 और ∞/∞। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, और ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर ए डालने से इस एफ ऑफ एक्स में, ये एफ ऑफ एक्स अगर टेंड कर जाता है जीरो को, और जी ऑफ एक्स भी टेंड कर जाता है जीरो को, और अगर दूसरे केस में ऐसा हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ए डालने से ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, ये अगर इन्फिनिटी को जाता है और जी ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी को जाता है, अगर ये कंडीशन वैलिड है, उसके बाद अब आगे सोचेंगे इसके बारे में, आगे स्टेटमेंट क्या बोलता है। ऑल्सो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये दोनों फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, या ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को, तो अभी अगर आपको पता है तो इसको समझिए। तो ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये जो हम लोग लिमिट निकालते हैं, अल्टीमेट गोल क्या होता है हम लोगों का, लिमिट फाइंड करना। तो यहां पर यही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स निकालना, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या कि अगर इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें अलग अलग, ठीक है, इसके इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये जो फंक्शन है इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे कब? जब ये डिफरेंशिएबल होगा, तो वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, अब इसको देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। हम लोगों का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, साइन एक्स बाई एक्स होता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल टू वन होता है, ठीक है। इसको अगर यही लैप्टल रूल अगर यहां पे आप लगाते हैं, तो देखिए यहां पे क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर में देखिए, अब यहां पे एक साथ मत देखिए साइन एक्स बाई एक्स को, इसको ट्रीट कीजिए कि ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसमें जीरो डाल के देखिए, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, ये हो गया जीरो डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स तो टेंड ही कर रहे हैं जीरो को, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसको अप्लाई करने के लिए ये दो ही फॉर्म हो सकता है, या तो 0/0 में आए, या तो ∞/∞ में आए, दोनों केस अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो अब ये बोलता है कि और ये फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल है, एक्स भी डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स होगा ना, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का कितना हो जाएगा, वन, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब एक्स के जगह पे यहां पे जीरो डाल के देखिए, ये कितना हो जाएगा, कॉस जीरो इक्वल टू वन हो गया आंसर। तो यही वैल्यू है ना, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है वन, यही यहां पे आ गया वन। देखिए ये एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहां पे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स टू द पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले अब चेक क्या करेंगे, लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको इसमें डाल के देखिए, क्या ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, अगर आता है तो फिर उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर 2 डाल के देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 माइनस 24 into 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 to the power q प्लस 2 into 2 माइनस 12, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 to the power 6 कितना होता है, 2 into 2 into 2 8 into 8 इक्वल टू 64, ये हो गया 64 माइनस
24 इंटू टू कितना हो जाएगा 48, 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 12। अब आपको दिख रहा है यहां पे 814 और ये 64, ये फिर हो जाएगा माइनस 64, तो ऊपर में कितना हो जाएगा ये 0 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि ये 0 अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 अप्रोच कर रहा है जब x टेंस टू 2 हो रहा है, यानी कि ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। ये हम लोगों ने क्यों चेक किया, क्योंकि एक तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको लिमिटिंग वैल्यू डाल के देखना है, और चूंकि हम लोगों का ये लैप्टल रूल बोलता ही है कि हम वहीं पे लगेंगे जहां पे 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक किए यहां पे 0 बाई 0 आ गया, तो अब हम लोग यहां पे इसको नेक्स्ट स्टेप में अब क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अलग अलग, ठीक है। एफ बाई जी ये जो होता है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना डिफरेंशिएशन में कि एफ बाई जी का जो होता है वो नहीं करना, ये अलग फंक्शन है, इसको अलग डिफरेंशिएशन, इसको अलग डिफरेंस, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तब क्या है यहां पे x6, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा 6 x टू द पावर 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना हो जाएगा ये 3 x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो अब यहां पे क्या करना है, फिर से चेक करना है, 2 डाल के देखिए यहां पे 2 जब डालेंगे यहां पे ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पांच बार 2 है, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 32 इंटू 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 दुनी 12 1 18 19 192 192 और माइनस कितना है 24, तब ये कितना हो जाएगा 12 में 4 गया 8, यहां पे 8 बज गया, 8 में 2 गया 6 168, हो गया 168, 0 तो नहीं आ रहा, इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाई अब 2 डाल के यहां पे देखिए ये 2 दोनी 4 हो गया 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 इज 14, ठीक है। ये क्यों किए यहां पे, क्योंकि चेक करना है कि फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहां पे नहीं आया तो ये डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया, तो यही मेरा आंसर हो गया 14 इंटू 168 कितना हो जाएगा ये 14, 2 बच गया 28, 14 दोनी 28 इक्वल टू 12, इसका आंसर कितना हो गया 12, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है, एक चीज दिमाग में आएगा कि ये लैप्टल रूल हम लोग को जो लगाना है, ठीक है, ये कैसे लगाना है, कितनी बार लगा सकते हैं हम लोग, इसको कितनी भी बार लगा सकते हैं जब तक कि वो डिफरेंशिएबल है हम लोग कर सकते हैं। पहली ऐसा भी है कि पहली बार हम लोग किसी दूसरे में जैसे कि फैक्टराइजेशन कर दिए फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में जाके एल हॉस्पिटल लगाए, फिर उसके बाद तीसरा कोई तीसरा मैनिपुलेशन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, जहां भी 0 बाय 0 आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपको दिख रहा है तो वहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई फोर्स नहीं कि आप एक बार कर दिए तो अगला स्टेप अगर फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर से आपको यही रूल लगाना ही है यहां पे, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एक बार लगा लीजिए फिर उसके बाद आपको अगर दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक इसको अगर एक बार अप्लाई कर दिए तो इसको बार बार उसमें करना ही है, इसको कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लिमिट प्रॉब्लम को हम लोग तीन स्टेप में सॉल्व किए, मान लीजिए कि तीन बार मैनिपुलेट किए, यहां पे किए तो ये 0 बाय 0 आया, फिर किए 0 बाय 0 आया, फिर किए 0 बाय 0 आया, ठीक है। तो यहां भी हम लोग पहली बार लैप्टल लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, तीनों जगह लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हम यहीं पर लगाएं और यहां दोनों नहीं लगाएं, किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करें, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करें, यहां पर लैप्टल लगाए, यहां पर कोई दूसरे मेथड से सॉल्व किए, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अलग मेथड से सॉल्व किए, यहां पे 0 बाय 0 मिला तो यहां पे लैप्टल रूल लगाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिए तो इसको बार बार अप्लाई करना ही है। ये देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x by x है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप इन्फिनिटी डाल के देखिए ln x में, ये जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी इन्फिनिटी टर्म चला जाएगा, x नीचे में है तो ये तो डायरेक्ट इन्फिनिटी ही जा रहा है, तो ये भी इन्फिनिटी चला गया, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो हॉस्पिटल रूल को लगाने के लिए जो पहली क्राइटेरिया है वो तो फिक्स हो गई कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है ये दोनों एफ ऑफ एक्स ऑफ जी एफ एक्स। अब क्या करेंगे, अगर है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको अलग इसको अलग, ठीक है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x का कितना होगा 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दिस इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई x, अब x टेंस टू इन्फिनिटी तो अगर बहुत बड़ा नंबर से एक में आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आंसर, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर, x को यहां पे पुट कीजिए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म आ गया ये,
तो हम लोग हॉस्पिटल रूल यहां पे लगा सकते हैं, तब इसको ये क्या हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये टू है, टू इन टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स, ठीक समझ में आ रहा ना, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई फोर एक्स, ठीक है समझ में आ रहा है, तब ये फोर नीचे में इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग लिमिट से, तो वन बाई फोर हो गया ये कॉन्स्टेंट, तो लिमिट x टेंस टू जीरो ये हो गया साइन x डिवाइडेड बाई x, ये फिर से वही जीरो बाई जीरो हो गया, साइन जीरो इज जीरो एक्स इज जीरो, तो जीरो बाई जीरो ये फिर से अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है, यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके डायरेक्ट वन लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग हॉस्पिटल रूल देख रहे हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, तब यहां पे कि कितना हो जाएगा वन बाई फोर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स का डेफिनेशन कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स, और फिर एक्स का वन हो जाएगा, अब यहां पे जीरो डालेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो इक्वल टू वन बाई फोर आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, अभी तक हम लोग जितना बार जितने भी प्रीवियस एग्जाम्पल थे वहां पे जब हम लोग हॉस्पिटल रूल लगा रहे थे तो वो सक्सेस कर रहा था, ठीक है वो सॉल्यूशन आ रहा था, यहां पे एक प्रॉब्लम होगा, यहां पे फेल कर जाएगा हॉस्पिटल रूल, ठीक है। देखिए कैसे फेल करेगा वो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, इसको चेक करेंगे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं है, तो x टेंस टू जब इन्फिनिटी डालेंगे यहां पे तो ये कहां चला जाएगा x इन्फिनिटी के पास, ये x कहां चला जाएगा ये भी इन्फिनिटी के पास, लेकिन cos x के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि cos x हमेशा ये बोलता ही है कि मैं 1 और माइनस 1 के बीच में ही रहूंगा, इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, यहां पे तो पहले से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इसका वैल्यू क्या बोलता है ये माइनस 1 से 1 के बीच में है, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी में थोड़ा सा माइनस वन और वन कुछ भी हो उसके बीच में, इस इन्फिनिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्फिनिटी ही रहेगा, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ये तो इन्फिनिटी ही जा रहा है, तो ये हो गया इन्फिनिटी, तो फॉर्म तो हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसका मतलब हो गया कि अब हम लोग हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, करके देखिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पे x है तो ये कितना हो जाएगा वन, डिफरेंशिएट करेंगे इसमें क्या होता है ये f of x हो गया ये g of x हो गया, f of x यहां पे कितना हो गया x plus cos x और g of x कितना हो गया x, इसको अलग डिफरेंशिएशन इसको अलग, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये हो गया वन और फिर cos x का कितना हो जाता है माइनस sin x, ये हो गया माइनस sin x डिवाइडेड बाई इसका कितना हो गया वन। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसको देखिए ध्यान से, यहां पे है साइन एक्स, साइन एक्स क्या बोलता है कि मैं भी माइनस वन और वन के बीच में ही रहता हूं, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है वन और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है माइनस वन हो सकता है ना, तो अब यहां पे जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे हम लोग तो ये जो टर्म है ये तो फ्लक्चुएट करेगा कहां से कहां के बीच में, माइनस वन और वन के बीच में, यानी कि ये टोटल वैल्यू किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है जब दोनों तरफ से एक ही जगह पे वो वैल्यू आए, इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जब तक ये वैल्यू टेंड नहीं करेगा तब तक तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर माइनस वन होगा तो कुछ और वैल्यू होगा, ये जीरो हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू होगा, वन होगा तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा, यानी कि अलग अलग केस पे इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यानी कि लिमिट यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो ये और ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है, तो अब यहां पे हॉस्पिटल रूल यहां पे फेल कर गया, यानी कि इसको अब हम लोग इस तरह से सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसको अब आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो दूसरा तरीका तो इसका आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, है ना, तो इसमें बस x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, यहां पे ये कितना हो गया इन्फिनिटी वाला टर्म है ना, तो x का पावर 1 है यहां पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x बाई x डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, सैंडविच थ्योरम हम लोग पढ़े थे वहां पे, इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा ये टर्म कहां जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है ना,
वैसे भी आप यहां पर देख लीजिए इन्फिनिटी है नीचे में, ये टर्म कुछ भी हो डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये जीरो को चला जाएगा, तब इसका वैल्यू कितना जाएगा 1/1। आंसर तो इसका 1 हो गया, लेकिन जब आप हॉस्पिटल रूल लगा के जाएंगे सॉल्व करने के लिए तो नेक्स्ट टर्म इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कहां पे हम लोग लगा सकते हैं, कितनी बार लगा सकते हैं, हो सकता है लगाने के बाद वो फेल भी कर जाए, ठीक है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर केस में इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल।